हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लीव समझेंगे। दो तरह की लीव्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक सिंपल लीव और एक कंपाउंड लीव। लीव को सिंपल तब कहा जाता है जब या तो उसका लेमाइना इंटैक्ट हो या फिर उसमें इंसिजन्स भी हो सकते हैं, पर इंसिजन्स होने के साथ ये ज़रूरी है कि ये इंसिजन्स कभी भी मिडरिब तक नहीं पहुंचने चाहिए। सो इफ इंसिजन्स आर देयर, दीज शुड नॉट रीच द मिडरिब। तो या तो लेमाइना इंटैक्ट हो या फिर ऐसे इंसिजन्स हो जो मिडरिब तक ना पहुंचे। ऐसी लीफ सिंपल लीफ कहलाती है और उसके एग्जाम्पल्स हैं नीम, अजा डायरेक्टा इंडिका कहा जाता है, और पीपल जो फाइकस रिलीजियोसा है। दूसरे टाइप की जो लीफ है वो है कंपाउंड। कंपाउंड लीफ में इंसिजन्स पाए जाएंगे, तो इंसिजन्स इन लेमाइना रीच द मिडरिप, ये लीफ कंपाउंड लीफ कहलाती है। और ऐसे में जो लेमाइना है वो डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसे हम लीफ लेट्स कहते हैं। ऐसी कंपाउंड लीफ को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरी है पामेटली कंपाउंड लीफ। अब ये पिनेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होती हैं समझें। पिनेटली कंपाउंड लीफ लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ कॉमन एक्सिस, और ये कॉमन एक्सिस रेचेस कहलाती है। और हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये लीफलेट्स हैं और ये कॉमन एक्सिस है जिसे हम रेचेस कह रहे हैं। एग्जाम्पल में नीम हम देख ही रहे हैं, इसके अलावा क्लेमेटिस भी इसका एग्जाम्पल है। जबकि पामेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये कॉमन पॉइंट है जिससे सभी लीफलेट्स अटैच्ड हैं। एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, जिसमें पिनेटली पामेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ लीफ इंसिडेंस के बेस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।